नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कमलेश सृष्टि में। दोस्तों, यदि आप म्यूज़िक लवर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे एक ऐप के बारे में बताऊँगा जो म्यूज़िक लवर के लिए है। तो दोस्तों, वह कौन सा ऐप है, उसे कहाँ से डाउनलोड करना है और उसका कैसे यूज़ करना है, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड प्लेटफार्म तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे जियो सावन और गाना, लेकिन बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों एक साथ बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जिस ऐप के बारे में आज बताने वाला हूँ दोस्तों, उसमें ये दोनों हैं। तो दोस्तों, वह ऐप कहाँ मिलेगा, उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए प्ले स्टोर पर चलेंगे और यहाँ से प्ले स्टोर खोलेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे SPOTIFY स्पोटिफाई। देख सकते हैं दोस्तों, SPOTIFY स्पोटिफाई, और इसे यहाँ से सर्च कर देंगे। दोस्तों, सर्च करते ही आप देखेंगे पहला वाला ऐप, इसे जो है खोल लेंगे। इसे मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, जिससे आपका समय ना ख़राब हो। मैं यहाँ से सीधे खोलूँगा दोस्तों, लेकिन आप इसे पहले डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद खोलेंगे। पहली बार खोलने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों, और सबसे पहले इसमें आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के लिए दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, ये भी मैं आपको जानकारी दूँगा। इसमें तीन तरह से आईडी बनाई जाएगी, मोबाइल नंबर से, फेसबुक अकाउंट से और गूगल अकाउंट से। आप जिससे बनाना चाहते हैं दोस्तों, उससे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं फेसबुक से एक अकाउंट बनाऊंगा अपना और आईडी बनाऊंगा, दिखाता हूं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, लोड हो रहा है। जो आपका फेसबुक में नाम होगा उसी से आपकी आईडी बन जाएगी, उसी नाम से। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, आपसे हो सकता है मेल भी मांगे, मेल दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस अपना दे दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया इसमें, और आगे बढ़ जाएंगे डाल करके। आपसे डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा, वो भी डालिएगा इसमें। यहाँ से दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे इसमें और डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। पहली बार कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों, जब आगे बढ़ेंगे आप। और यहाँ से आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, किस भाषा में चुनना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी चुन लेता हूँ, आप जो भाषा चाहे वो भाषा चुन सकते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। अगला पर जो है टाइप करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे जाएंगे दोस्तों, तो इसमें से आपको कम से कम तीन जो है सिंगर आपको चुनने पड़ेंगे, या तो सर्च करके चुन लेंगे या तो यहाँ नीचे से चुन लेंगे। मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ, मान लीजिए सर्च बार में मैंने सर्च किया, देख सकते हैं पहला वाला आ गया। लेकिन दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, अगर आप इसमें गलत सर्च करते हैं तो वो नहीं दिखाएगा। देखिए, इसे मिलता जुलता कोई जो सर्च नहीं है इसमें, इसलिए नहीं दिखा रहा है।
अब इसे अंग्रेजी में सर्च करके देखते हो दोस्तों। मान लीजिए मैं अंग्रेजी में सर्च करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है ये भी देख लेते हैं। जुबिन नौटियाल आ गया आपका जो है, एक ऐड कर लिया मैंने, दो और ऐड करने हैं, नीचे से मैंने दो और ऐड कर लिया और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। हो गया पे जो है टैप कर देंगे। जब आप ये तीनों को चुन लेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट बन रही है हमारी, देख सकते हैं दोस्तों। जिनको मैंने चुना था उनकी सारे जो है म्यूज़िक यहाँ पे उपलब्ध हैं, दिखाता हूँ दोस्तों आपको। देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप सर्च करके कोई म्यूज़िक निकालना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है होम के बगल में, यहाँ से खोज सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, नीचे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, स्किप करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी हैं। इसमें से जो भी कैटेगरी आप चुनना चाहें वो कैटेगरी चुन सकते हैं। यदि आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी अपनी जोड़ सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ प्लेलिस्ट बनाने का ऑप्शन आ गया, इस पर टैप कर देंगे। देखिए मेरी प्लेलिस्ट नंबर 1 तैयार हो रही है। अब यहाँ पे जो है आपको जो है जोड़ने का ऑप्शन आ गया, आप जो भी इसमें से है सॉन्ग जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं यहाँ से। सर्च करके भी जोड़ सकते हैं, जो नीचे दिया गया वो भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, कोई सा भी आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसमें से मैं एक ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यह मेरे प्लेलिस्ट में जुड़ गया। यदि दोस्तों आप प्रीमियम का वर्ज़न लेना चाहते हैं, पेड करके लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। दिखाता हूँ दोस्तों मैं प्रीमियम में जो बगल में दिया गया है राइट हैंड साइड में, इसका यूज़ क्या है ये भी दिखाता हूँ, क्या क्या है इसमें। देख सकते हैं दोस्तों ये प्रीमियम है, 3 महीने के लिए निःशुल्क मुक्त देना के लिए कह रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं वो भी दिखाता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इसके बारे में दिखा रहे हैं दोस्तों प्रीमियम क्या है और क्या क्या मिलेगा आपको दोस्तों, क्या पेड करने पे सारा कुछ दिखाया गया है इसमें। आप जो भी इसमें चुनना चाहें चुन सकते हैं, इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी होगी और बहुत सारे फीचर आपको अलग से मिल जाएंगे जो फ्री वर्जन में नहीं हैं। अब दोस्तों यदि आप मान लीजिए सेटिंग देखना चाहते हैं तो सेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड कॉर्नर में दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों डेड डाटा सेवर है। ऑडियो की क्वालिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वीडियो पाक फाक कर सकते हैं, आपकी जो है मेमोरी कितनी भरी हुई है ये भी दिखाएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपकी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके मेरी वीडियो कैसी बनी हुई है और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।